नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज़ में मुजाहिद भारतीय आपका स्वागत करता हूं। आइए रुख करते हैं आज दिनभर की खास खबरों की ओर। श्री गुरु नानक देव जी की प्रकाशोत्सव पर शहर भर में निकाला गया विशाल भव्य चल समारोह। इस चल समारोह की शुरुआत गुना स्थित प्रमुख गुरुद्वारे से हुई, जिसके बाद यह चल समारोह शहर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ पुनः गुरुद्वारे पर पहुंचा। इस चल समारोह में सिख समुदाय के बंधुओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया एवं जगह जगह पर इस चल समारोह का भव्य स्वागत भी किया गया। छात्र संगठन ऑल इंडिया डीएसओ ने किया शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में हुए छात्र संघ चुनाव में कॉलेज प्रशासन के पक्षपातपूर्ण रवैये के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। यह विरोध प्रदर्शन हनुमान चौराहे पर नगरपालिका भवन के सामने रखा गया, जहां बड़ी संख्या में डीएसओ के कार्यकर्ताओं ने हाथों में बैनर लेकर खड़े रहे। साथ ही यहां डीएसओ के कार्यकर्ताओं ने बताया कि जिस प्रकार छात्र संघ चुनाव में जीत घोषित होने के करीब 15 मिनट बाद विपक्षी छात्र संगठन द्वारा आपत्ति दर्ज कराई गई, वह बिल्कुल गलत है। वहीं आपत्ति दर्ज कराए जाने के लगभग 1.5 घंटे बाद वहां पर पुनः वोटों की गिनती की गई, जो कि नियम के विरुद्ध है। गौरतलब है कि छात्र संगठन ऑल इंडिया डीएसओ छात्र संघ चुनाव के दिन से ही लगातार इस चुनाव में हुई कथित धांधली के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए है। विगत दिवस कैंट थाना अंतर्गत खेजरा रोड पर हुई चोरी के मामले में पुलिस ने आगे की कार्रवाई करते हुए आज फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को यहां बुलाया। साथ ही बाहर से आई फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट टीम ने घर में कई जगहों से फिंगरप्रिंट लिए हैं। उम्मीद है कि इस मामले में पुलिस जल्द ही कोई बड़ा खुलासा करेगी। गौरतलब है कि पीड़ित परिवार के अनुसार लगभग 4 लाख रुपए के जेवर सहित 50,000 के करीब नकदी भी घर से चोरी हुई है।
यहाँ से तुमने बस केवल ये चीजें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने किया धरना प्रदर्शन एवं जन जागरण कार्यक्रम। गौरतलब है कि केरल में लगातार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं की हत्याओं के मामले सामने आ रहे हैं, जिसके विरोध में आज समूचे मध्य प्रदेश में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा सभी जिला मुख्यालयों पर इसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें जन जागरण के जरिए लोगों को बताया गया कि यदि केरल सरकार इस तरह की हत्याओं पर जल्दी रोक नहीं लगाती तो यकीनन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन की राह पकड़ेगी। इस मौके पर एबीवीपी के कार्यकर्ता यहाँ पर बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। मीडिया कर्मी मौन है, उसके ऊपर समस्त राजनीतिक दल मौन है और कोई भी आवाज उठाने को तैयार नहीं है। इसलिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने आज यहाँ पर इस बात को उठाना है, लोगों ने बेड़ा उठाया है कि हम सभी लोग इस तरीके का धरना प्रदर्शन कर समस्त लोगों के सामने ये विषय लाएंगे कि किस तरह ये वामपंथी और कम्युनिस्ट लोग केरल के अंदर हमारे स्वयंसेवकों की हत्या कर रहे हैं। तो किसी भी तरीके से इन लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा और पूरे भारतवर्ष के अंदर जहाँ जहाँ वामपंथी लोग शरण में रह रहे हैं इनके साथ भी वही व्यवहार किया जाएगा और इनको उसी तरीके से जवाब दिया जाएगा। तो कल को अन्य व्यवस्था हम लोग बिगड़ेगी और मध्य प्रदेश के अंदर भी जिस तरीके से वामपंथी संगठन अपनी पेड़ बनाने का प्रयास कर रहे हैं, गुना शहर के अंदर जिस तरीके से केरल के अंदर कर रहे हैं, भाइयों ये वामपंथी वो दीमक है जिसने पहले रशिया को खाया, अन्य देशों को खाया और आज जागरण करने की आवश्यकता है। और जब तक हम लोग ये विषय नहीं समझेंगे कि ऐसे वामपंथी संगठन कितने गद्दार हैं और किस तरीके से सांप का कार्य यहाँ पर कर रहे हैं। केरल के अंदर जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एवं अन्य सामाजिक संगठनों की कार्यकर्ताओं की हत्या यहाँ पर हो रही है, उसके विरोध में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा समस्त मध्य प्रदेश के अंदर यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन का आयोजन हम लोगों ने करा है, जिसमें जन जागरण का कार्य कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया है कि किस तरीके से कम्युनिस्ट सरकार खून की होली यहाँ पर खेल रही है और हमारे कार्यकर्ताओं को बहुत घाट उतार रही है। और कोई भी मानवाधिकारवादी संगठन या कोई भी अन्य मीडियाकर्मी या कोई भी संगठन इसके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है। हम लोगों ने यहाँ पर आज एक पीजी कॉलेज की बार प्रदर्शन करा है और हम लोगों ने ये जन जागरण कार्य करके लोगों के बीच में विषय रखा है कि अगर इस तरीके की हत्याओं पर रोक नहीं लगती है तो विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता बिल्कुल खड़ा होगा और राष्ट्र के अंदर जिस तरीके की समस्या आई है इसके लिए लड़ेगा और जिस तरीके का जवाब ये लोग चाह रहे हैं इनको उन्हीं की भाषा में जवाब होने देंगे। नगरपालिका के अमले ने आज कई जगहों से हटाया अतिक्रमण। इसी क्रम में शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 2 के सामने से अतिक्रमण हटाओ मुहिम के अंतर्गत कई गुमटियों को जेसीबी के जरिए हटाया गया। हालांकि यहां अतिक्रमणकारियों एवं नगरपालिका अमले के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई, लेकिन अतिक्रमणकारियों की यहां पर एक न चली एवं उन्हें अतिक्रमण वहां से हटवाना ही पड़ा। साथ ही नगरपालिका के अमले ने शहर भर से कई अन्य जगहों से भी आज अतिक्रमण को हटाया। भैया
गांधी पार्क में क्या करे आए तो शास्त्री पार्क को कितना हटा गया है राघोगढ़ के रामनगर चौराहे से लेकर मेन मार्केट तक लगा रहा एक घंटे तक जाम, लोग होते रहे परेशान। आपको बता दें कि दुकानदारों द्वारा किए जा रहे अतिक्रमण के कारण यह जाम अक्सर यहां पर लग जाता है और घंटों तक लोग यहां पर इस जाम में फंसे रहते हैं, जिससे लोगों के आने जाने में बहुत ही समस्याएं पैदा होती हैं। राघोगढ़ से हमारे सहयोगी कमलेश सैनी की रिपोर्ट। स्थापना दिवस पर महिला शिक्षिकाओं से बीईओ ने किया अभद्र व्यवहार। स्थापना दिवस के मौके पर जनपद चाचौड़ा में छात्राओं के आने में हो रही देरी पर बीईओ ने महिला शिक्षिकाओं से अभद्र व्यवहार किया है। मामला चाचौड़ा स्थित शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का बताया जा रहा है, जहां की शिक्षिकाओं ने बीईओ नाथू सिंह भील पर अभद्रता का आरोप लगाया और एसडीएम नीरज शर्मा व चाचौड़ा थाने में आवेदन दिया। इस आवेदन पत्र में शिक्षिका रिंकी श्रीवास, ज्योत्सना राठौर व समीना खान ने बीईओ पर गाली गलौच एवं अभद्रता करने का आरोप लगाया है। वहीं बीईओ नाथू सिंह भील ने यहां पर अपनी सफाई देते हुए कहा है कि एसडीएम नीरज शर्मा के आदेश के अनुसार शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में निरीक्षण करने गए थे, लेकिन वहां पर सिर्फ शिक्षक सुनील सेन और सुरेश श्रीवास्तव ही दोनों उन्हें मिले। लेकिन जब नाथू सिंह भील ने बाकी के स्टाफ की अनुपस्थिति लगाई तो उनसे मौजूदा स्टाफ अभद्रता करने लगा। क्या है इस पूरे मामले की सच्चाई, यह तो वक्त आने पर ही पता पड़ पाएगा। तो मतलब पहले
ही आ चुके थे हम लोग, मतलब हमें सूचना थी एक्चुअली, हम मतलब इससे पहले जो आदेश निकला हुआ था हमें सूचना थी कि हम 10 बजे मतलब हमें उपस्थित होना, तो हम लोग 10 बजे आ चुके थे कुल मिला के। और 10 बजे आने के बाद में मतलब हम दोनों ने साइन कर दिए थे, मैं और श्रीवास्तव जी दोनों ने साइन कर दिए थे। और उसके बाद सोपरा जी ने मुझे, श्रीमान प्राचार्य महोदय सोपरा जी ने मुझे कहा था, मतलब मैं मेला ग्राउंड ही जा रहा था, मेला ग्राउंड जाते जाते उन्होंने बीच में कहा कि मतलब एक काम करो आप, जो राष्ट्रगीत वाली मतलब बच्चियाँ हैं वो घर से मतलब आई नहीं है, एक्चुअली जल्दी से मतलब ले जाओ आप। तो मैं चला गया था, ये पूर्णिमा सैनी है, रमेश भाई सैनी की मतलब बिटिया है, उसको लेने के लिए मैं चला गया था। उसके घर गया तो उस वहाँ से सूचना मिली कि मतलब वो लड़की ऑलरेडी जा चुकी है। उसके बाद मतलब मैडम को लेके मैं सीधा स्कूल पहुँच गया, और स्कूल पहुँचते हुए 10:20 हुए थे कुल मिला के उस समय। तो आगे और मतलब जैसे खड़े हुए थे कुल मिला के, तो मतलब बी ओ साहब वहीं बैठे थे, आके मतलब उन्होंने रजिस्टर मतलब मैंने बोला रजिस्टर देखो साइन, मतलब मैंने साइन कर दिए थे, अब मैडम थी तो मैंने बोला मैडम आप भी साइन कर दो कुल मिला के। उन्होंने साइन रजिस्टर लेने लगी तो साइन मतलब रजिस्टर उन्होंने छड़ा मतलब छिना के, तो धड़ कोई साइन वाइन नहीं होंगे कुल मिला के। बड़ी मतलब फिर मैडम भी आ गई सभी, मतलब 10:20 पर तीनों मैडम आ चुकी थी। और मतलब जब एक मैडम सर साइन नहीं करने दिया तो बेचारी डर गई कुल मिला के, तो फिर मतलब वो तीनों ने मतलब साइन नहीं करो, कोई बात नहीं हम साइन नहीं करेंगे, साइन वाले से करो। मैंने निवेदन किया सर जो आ गए हैं सभी आ गए हैं कुल मिला के, सभी तीनों मैडमें आ गई, आप साइन करवा लो कुल मिला के। लेकिन उन्होंने मतलब बड़ी बेरहमी पूर्वक उन्होंने मतलब बिल्कुल इतनी अभद्रता के साथ, नहीं नहीं करने दूंगा, मेरा अधिकार है कुल मिला के नहीं करना, ठीक है साहब मत करो कुल मिला के। चाचौड़ा से हमारे सहयोगी शिवम नामदेव की रिपोर्ट। आरोन तहसील से लगभग 21 किलोमीटर दूर पनवाड़ी हाट से अशोकनगर तक की सड़क की हालत है दयनीय। यहाँ ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम करोदा, जासी, डगराई, मुहासा, हापाखेड़ी से लेकर अशोकनगर तक वाहन चालकों को साइड देने में बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ ग्रामीणों ने बताया कि रोड के बड़े बड़े गड्ढे बारिश में और भी बड़ा आकार ले लेते हैं, वहीं प्रतिदिन एक या दो घटनाएं यहां पर घटती ही रहती हैं। यहां सड़क की इस खस्ता हालत की वजह से 1 घंटे का रास्ता लगभग 3 घंटे में पूरा किया जाता है। ग्रामीणों ने बताया कि यह सड़क कई लोगों की जान ले चुकी है, जबकि चुनाव आने पर नेता वादे करते हैं पर कब तक इस सड़क का निर्माण कार्य शुरू होगा यह कोई भी नहीं बताता। वहीं प्रशासन का भी ध्यान पता नहीं क्यों इस ओर नहीं जाता है। करौंदा से झांसी तक, डगराई तक, मुहासा तक ये रोड बहुत खराब डरी है। अब जो रोड की हालत तो देखो, नेता आते हैं कह कर चले जाते हैं, 2-4 दिन में हो जाएगा चुनाव, निकल गया तो रोड की कोई सुनवाई नहीं है, मैं पंचर हो रही है, बुरी हालत है इस रोड की। इसके बारे में कहेंगे सड़क से गैर सड़क हो गई अच्छी है, सड़क कोई काम की नहीं है, सड़क में इतने गड्ढे हैं कि आदमी पैदल तक नहीं रेंग पाए, और डेली यहाँ से 2-4-8 दिन बकाने जा रहा है, डेली एक्सीडेंट हो रहे हैं और कई लोगों की तो जान सुनना चली गई। और शिवराज सिंह दावा करते हैं कि हम सड़कों का जाल बिछा देंगे, जाल माल ठीक ठाक है, मगर दो पैर रखने के लिए सड़क नहीं बनी। करौंदा से लेकर अशोकनगर तक राजपुर बीच में हापाखेड़ी लग जा रही है। आरोन से हमारे सहयोगी चंद्रेश रघुवंशी की रिपोर्ट। डिजियाना न्यूज़ में आज बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे, तब तक दीजिए इजाज़त, नमस्कार।